लगता है वो लोग भाग गए। हो सकता है वो लोग बच्ची को अंदर ही बंद कर गए। मैं चेक करता हूँ, तुम आसपास के लोगों से पूछताछ करो। अरे भाई साहब इधर आएंगे, घबराइए मत, हम लोग ऐसे वो लोग तो एक घंटे पहले जा चुके हैं मैडम। क्या जा चुके हैं? घर में कोई भी नहीं। और ये जनाब बता रहे हैं कि गोपीनाथ और नीना एक घंटा पहले यहाँ से जा चुके हैं। और उनकी बेटी? बेटी? हाँ उनकी बेटी साथ में ही थी ना वो। कौन सी बेटी? हाँ कहीं आप बबली की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ वही, कहाँ है वो? अरे साहब वो उनकी बेटी नहीं है, वो उनकी भतीजी है। भतीजी है? तो फिर वो उनके साथ क्यों रहती है? अब साहब हमने इसके बारे में ज्यादा सुना तो है नहीं, लेकिन हाँ गोपी भैया उसको 2 हफ्ते पहले यहाँ लाए थे। 2 हफ्ते पहले? एकांश तुम्हें भी 2 हफ्ते पहले ही लापता हुई है, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गई है? हाँ सब कुछ कह तो रहे थे कि हम बबली को गुणपुर की बड़ी पूजा में ले जा रहे हैं और वहाँ के काली मंदिर में हर 2 महीने में एक बार पूजा होती है। सब गुणपुर, ये तो वही जगह है जहाँ गोपीनाथ का भूत बंगला है। थैंक यू। गोपीनाथ दरवाजा खोलो, मैं दामोदर। सुनिए दरवाजे पर तो ताला लगा है। दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। देखिए मेरी बात मान लीजिए, मत पड़िए इन सब चक्करों में। बस बस वासंती बस, मुझे अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, वैसे भी मेरा दिमाग पहले से खराब है। आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है बच्चा पाने का। देखो तुम कुदरत की बात ना ही करो तो अच्छा है, एक औरत का माँ बनना भी कुदरत ही है, पर तुमने तो इन 6 सालों में जितना दुख आपको है ना उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे है। अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म देने की तकलीफ एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन भगवान ने मुझे उस खुशी से दूर रखा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन भगवान चाहेगा उस दिन। बस बस वासंती बस, इतने साल उसी इंतजार में गवा दिए मैंने, और अब जाकर हमारी तकदीर बदलने का मौका मिला है और उस मौके को भी तुम गवा देना चाहती हो। तो बस ये कह रही हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। क्या गलत है और क्या सही, ये फैसला तो कब का हो चुका है, और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता।